आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय पाप और पुण्य का भेद। देखिए, पाप और पुण्य जो है ये हमारी आत्मा के साथ जो कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, अज्ञान जुड़ा हुआ है, कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, लिंग शरीर जुड़ा हुआ है, उसमें एकत्रित होने वाले अच्छे बुरे परिणाम कहिए या जो है अच्छे बुरे कर्म कहिए, और जब वो उदय और प्रारब्ध में आते हैं तब वो पुण्य और पाप कहलाते हैं, शुभ और अशुभ होते हैं। जब आत्मा के साथ में जुड़ते हैं वो कर्म कोट लग करके उदय में आते हैं, जब वो पुण्य और पाप कहलाते हैं तो ये कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन समय के साथ होता है, प्रकृति स्थिति प्रदेश और अनुभाग। जब कर्म का बंद होता है तो ये चारों जो चीज़ों के एक साथ बंद होता है। प्रकृति का अर्थ होता है द्रव्य कर्म, आठ तरह के मूल्य मुख्य है और उसकी 148 प्रकृतियां हैं। ये जो है वह प्रकृति बंद कहलाता है। स्थिति का अर्थ होता है ये कर्म कितने कर्म को जैन धर्म के अंदर बकायदा चतुस्पर्शी जो है पुद्गल माना है और केवल जैन धर्म ने माना है। और जैन धर्म के अलावा भी बात करें तो क्रमिक जैन धर्म ने माना है। जो अक्रम जैन धर्म है उन्होंने जो है पौद्गलिक रूप में नहीं माना है, उन्होंने अज्ञान रूप में माना है, जड़ रूप में माना है, और वो अज्ञान की सफाई होती रहती है, अज्ञान गढ़ता रहता है, संपूर्ण गढ़ता है, तब आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है। लेकिन क्रमिक विज्ञान में कार्मण शरीर के एक एक परमाणु का जो है लेखा जोखा होता है, तभी यह जो है प्रकृति स्थिति कितने समय तक रहेगा आत्मा के साथ, प्रदेश कितने प्रदेश रहेंगे। ये प्रदेश की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ जैन धर्म की है और किसी भी कुल धर्म की नहीं है। और अनुभाग यानी जिस रस से बंधन हुआ है उसी रस से उसी इंटेंसिटी से जो है ये वापस जो है उदय में आएगा। तो भाई और बहनों, पाप और पुण्य जो है शुभ अशुभ कर्म होते हैं, उदय में आते हैं जब उनको पुण्य पाप कहा जाता है। और पुण्य पाप ऐसे शब्द है, मेरी ख्याल से विश्व का कोई भी तरह का कुल धर्म हो वो या मानव धर्म सामाजिक धर्म हो उसमें पुण्य पाप को सभी समझते हैं। और लेमैन की भाषा में ये कहा जाता है इंसान जब चला जाता है दुनिया से तो पुण्य पाप उसके साथ जाते हैं, अच्छे बुरे कर्म साथ जाते हैं। और जब वो उदय में और प्रारब्ध में आते हैं जब पुण्य और पाप कहलाते हैं, यानी पुण्य और पाप हर धर्म में एक रिकॉग्नाइज एक वेल नोवन टर्म्स है और सभी इसको जानते हैं के। और जब ये उदय प्रारब्ध में आते हैं तो कॉमन मैन क्या सोचता है कि जो झुग्गी झोंपड़ी का जीवन होता है वह जीवन पापकारी जीवन होता है, और बड़ी बड़ी अटालिकाओं का मॉल का जो जीवन होता है वह जीवन जो है वह
पुण्य का जीवन होता है, और जितनी जितनी समृद्धि दिखाई देती है जीवन के अंदर, ऐश्वर्य समृद्धि धन दौलत सुख, और ये सातों तरह के सुख जो मानव के होते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, और पांचवा सुख जो है वो घर में वासो, छठा सुख राज में वासो, सातवां सुख धर्म में वासो। ये सारे सुख कब आते हैं? जब पुण्य जो है उदय और प्रारब्ध में आता है, और पाप जब उदय प्रारब्ध में आता है इसका रिवर्स होता है। व्यक्ति दुख की जिंदगी जीता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, और व्यक्ति जो है अंधेरे में रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, निराशा निराशा का ही सारा जीवन होता है। लेकिन ये पुण्य और पाप है, ये उदय प्रारब्ध, हर उदय प्रारब्ध जाने के लिए आता है, रहने के लिए आता है, क्योंकि ये अवस्था होती है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है फिक्स है, वह टेम्परेरी है, वह जड़ है, वो जाने के लिए आई है। हमारा आयुष्य कर्म जा रहा है, हमारा पुण्य जा रहा है, हमारा पाप जा रहा है, हमारा बचपन जो है बुढ़ापे के रूप में जा रहा है, ये जाने के लिए आई है, ये रहने के लिए नहीं आती, क्यों? ये स्थाई नहीं है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, अवस्था है, जड़ है, तो इसीलिए वो टेम्परेरी भी होगी और नाशवान भी होगी। लेकिन जो परमानेंट तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कॉस्मोस में परमानेंट तत्व एक ही है, आत्मा है, जो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, उसमें कोई भेद नहीं आता है। ये जो भेद बनते हमको दिखाई जो देते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, और कोई बीमार है, और कोई स्वस्थ है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, कोई झुकी झोंपड़ी का जीवन जी रहा है, और कोई जो अटालिका का जीवन जी रहा है, कोई सुख का जीवन जी रहा है, कोई दुख का जीवन जी रहा है, ये जो भेद हमको दिखाई देते हैं ये सारे पुण्य पाप के भेद है। इसीलिए हम कहते हैं कि सामान्य दृष्टि से हमारे 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत आत्माएं सब एक समान हैं, उसमें सब में जो है वो मुक्ति जाने की अर्हता है, यानी कि राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, घोड़े की हो, गधे की हो, ऊंट की हो, बैल की हो, हाथी की हो, चींटी की हो, सभी की आत्माएं सामान्य रूप से एक समान होती है। तभी हम कहते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माओं के भीतर विराजमान भगवत स्वरूप आत्मा को निर्दोष दृष्टि दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, क्योंकि सारी वो भगवत स्वरूप ईश्वर स्वरूप है, सभी ईश्वर बनने की, परमात्मा बनने की अर्हता रखती है। तो उनको जो बिगाड़ने वाला होता है, जो संसार में भटकाने वाला होता है, वह पुण्य और पाप होता है। तो देखिए भाई और बहनों, पुण्य पाप जो है वो बंद कैसे होता है, और पुण्य पाप क्यों नहीं बंद होता है? पुण्य पाप सोने लोहे की बेड़ियां हैं, तीनों पे हम प्रकाश डालेंगे। तीन तरह के धर्मों की कैटेगरी कहलाई जाती है। एक होता है हमारा मानव धर्म, दूसरा होता है कुल धर्म, तीसरा होता है आत्म धर्म। मानव धर्म परस्पर ग्रो जीवानाम के आधार पर होता है, गिव एंड टेक के फॉर्मूले के ऊपर चलता है, जियो और जीनोदो के फॉर्मूले पे जीता है, कि मैं भी जीऊँ, पड़ोसी भी जिए, दुनिया के समस्त प्राणी जिए,
और सभी अपना अपना काम करे कि फूड ग्रेन उगाने वाला फूड ग्रेन उगावे, वकील वकालत करे, टीचर पढ़ाने का काम करे, इंजीनियर इंजीनियर काम करे, और सभी मिलकर के जब काम करते हैं तब वो समाज बनता है और उसमें रहने वाले समस्त लोगों की, समस्त परिवारों की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब तरह की सुविधाएं मुहैया होती है और वह एक जीवन जीते हैं। तो इसके अंदर पुण्य पाप की बात चलती, जो अच्छा सुख का जीवन जीता है वह पुण्योदय के कारण है और निराशा का जीवन जीता है, नारकी का जीवन जीता है, झोंपड़ी का, जो आप झुग्गी झोंपड़ी का देखिए वहाँ रहने को जगह नहीं होती है, आपसी कलह होती है, पैसे की कमी आती है, मच्छर काटते हैं, बारिश का पानी टपटपकता है और जगह इतनी कम होती है कि सब एक साथ जो है सो भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। तो ये झुग्गी झोंपड़ी का पाप का उदय होता है और उसके ठीक पास में बड़ी अटालिका होती है जिसके कारें होती है, जिसके मोबाइल होते हैं, अच्छे कपड़े क्या पहनते हैं, अच्छे व्यंजन करते हैं, अच्छा मनोरंजन करते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं, ये सारा पुण्योदय कहलाता है। तो भाई और बहनों, पुण्य आपका भेद यही है कि जो सुख जो कि जो है उदय प्रारब्ध के समय के अंदर सुख प्रदान करता है वो पुण्य है, दुख प्रदान करता है वो पाप है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चलता है हमारे मानव धर्म में। दूसरा कुल धर्म होता है, जो व्यक्ति जिस जन्म में काम ले जन्म जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धर्म कहलाता है। 7.8 की जनसंख्या, 8 अरब की जनसंख्या के 360-365 तरह के कुल धर्म हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिक्खिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, राष्ट्रियन और भी बहुत से धर्म हैं, बाबा रामदेव हो गए और जो है जितने तरीके जितने जितने पुरुष हुए हैं उनके अलग अलग धर्म होते हैं। तो ये सारे कुल धर्म कहलाते हैं। कुल धर्म में क्या होता है कि फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो है वो सबका अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन सारे कुल धर्म को एक शब्द में हम फॉर्मेट कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि फॉर्मेट में एक ईश्वर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, एक ग्रंथ होता है, उसके साधु संत सन्यासी साध्वियाँ होती है, उसके जो है श्रावक श्राविकाएँ होती है, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं। ये सारा जो सिस्टम होता है वो कुल धर्म कहलाता है। जैसे मैंने जैन धर्म में जन्म लिया तो जैन धर्म मेरा कुल धर्म हो गया, क्रमिक मार्ग हो गया, और कोई इस्लाम में जन्म लेता है उसका कुल धर्म इस्लाम हो गया, और कोई क्रिश्चियनिटी में लेता है तो उसका धर्म क्रिश्चियन धर्म हो गया, और कोई जो है वो कहना चाहिए पंजाबी कुल वगैरह में जन्म लेता है तो जो है वो सिख धर्म हो गया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कुल धर्म में पुण्य पाप पर आधारित होता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्तियाँ धार्मिक होती है, उससे जो है धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर पुण्य का बंध होता है और वह पुण्य जो होता है हमको अच्छी गति लेने वाला होता है। हम किसी को बुरा नहीं बताते, हम तो अज्ञान को भी बुरा नहीं कहते हैं। अज्ञान संसार को चलाने का साधन है, उस अज्ञान को हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और जो मुक्ति का पुरुषार्थ होता है उसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। संसार का पुरुषार्थ रिलेटिव पुरुषार्थ, और जो मुक्ति में जाने वाला पुरुषार्थ है रियल पुरुषार्थ कहते हैं, और जो संसार का पुरुषार्थ है वह अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, उससे संसार चलता है, और ज्ञान है जब संसार के साथ जुड़ता है तो अज्ञान हो जाता है, और यही ज्ञान जब मुक्ति के साथ जुड़ता है तो वह विज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान तो एक कॉमन टर्म हो गई,
जैसे चलने का ज्ञान, खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, पढ़ने का ध्यान, गृहिणी भोजन पकाती है तो उसको पकाने का ज्ञान होना चाहिए, ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग का ज्ञान होना चाहिए, टीचर है तो उसको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, इंजीनियर है तो उसको भवन बनाने का ज्ञान होना चाहिए, डॉक्टर है तो इलाज करने का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान संसार का ज्ञान अज्ञान, और मुक्ति का ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। तो कॉमन टर्म है वो ज्ञान है, कोई बुरा नहीं है। भगवान ने सृष्टि के अंदर एक जो छोटा से छोटा कण है बालू रेत का, उसको भी अनुपयोगी नहीं बनाया है, सब उपयोगी है। हमारी ये बालू रेत होती है वो जो बॉम्बे जैसे शहरों में उपलब्ध नहीं है, उसको अलग अलग कलर दे करके डेकोरेशन की जाती है, उससे बर्तन मांजे जाते हैं, उसके कई उपयोग, बहुत महंगी बिकती है वो। जबकि आया हमारे राजस्थान रेगिस्तान में वो टनों बंद है, इसका कोई मूल्य नहीं है, उठाने का खुद का मूल्य हो जाता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुण्य पाप का संबंध है वो कुल धर्म से होता है, क्योंकि हमको वो मनुष्य गति और देव गति पुण्य अच्छी गति देता है, और तिर्यंच गति और नरक गति देता है, वो पाप कर्म का उदय देता है। तो भाई और बहनों, ये जो है हमारा जो पुण्य अच्छा है पाप बुरा है इस दृष्टि से। लेकिन तीसरा जो धर्म है वो आत्मधर्म है, वो आत्मधर्म शुद्ध भावों पर डिपेंड होता है, उसके केंद्र में केवल एक आत्मा होती है, यानी कि वो चेतन को ही प्रेफरेंस करता है, यानी कि आत्मा की बात की जाती है, आत्मा को कैसे उज्जवल किया जाए उसकी बात की जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भीतर जो प्रभु बैठा है उसकी भजना करो, और जो है उसको जो है किस तरीके से छुटकारा होता है वह देखा जाए, मैं और मेरा प्रभु मिलकर के बात की जाए, और इस आत्मा का स्पर्श होना है, ये रियल पुरुषार्थ है। और इसके साथ साथ जब आत्मा की अनुभूति बढ़ते 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 360 डिग्री तक अनुभूति चल जाती है, इसका मतलब जो ही ये अनुभव जो है बढ़ना चालू हुआ, इसका इफेक्ट आ गया, अज्ञान समाप्त होना चालू हुआ। तो हमने विज्ञान को प्राप्त करते ही अज्ञान का नाश हो गया। जब संपूर्ण रूप से अज्ञान नाश हो गया, इसका मतलब हमने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और उसके कारण क्या होता है, जो हमारा पुण्य पाप बनाने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है वो समाप्त हो गया। हमारा मन है पुण्य पाप बनाने वाला, शुभ अशुभ वाला समाप्त हो गया, और हमारा जो पुण्य पाप रूपी अज्ञान है वो समाप्त हो गया। जब कॉज ही खत्म हो गया तो फिर इफेक्ट आने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया कॉज एंड इफेक्ट पर चलती है। जो भी प्रवृत्ति इस ब्रह्मांड में होती है वह इफेक्ट होती है, उसका कोई न कोई कॉज अवश्य होता है। जैसे कि चिकनी मिट्टी होती है उसमें लोच होता है तो वह घड़ा बनने का कॉज है, और फिर निमित्त मिलता है उसको, कुमार मिलता है, चाक मिलता है और डंडा मिलता है, सभी मिलकर के और कुमार होता है। वह उस जो है घड़े के भीतर हाथ रख कर के ऊपर ठोकता रहता है, तो ठोकते ठोकते जो है वह घड़ा बन जाता है। तो इस तरीके से जो है यह सारा जो होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई और बहनों, आत्मधर्म मुक्ति का धर्म और अपने पहचान का धर्म, यानी जो है सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, स्वनिरीक्षण, स्व परीक्षण, और अंतिम अवस्था स्पष्ट वेदन की अवस्था होती है, वो केवल ज्ञान होता है, और
उसके बाद में जो केवल ज्ञान परिणाम स्वरूप के अंदर होता है और उस लास्ट बर्थ का जो आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, पाप और पुण्य है वो तो जड़ है, क्योंकि दोनों जो है ये परमाणु है, ये जो है निर्जीव है, और हमारा आत्म तत्व है केवल चेतन है। तो जड़ का जब चेतन के साथ के अंदर मिलान होता है, तो ये जुड़कर के अज्ञान कहलाता है, और ये जुड़कर के कॉजल बॉडी कहलाती है, लिंग शरीर कर्म शरीर कहलाता है, और ये जो है वो आठ कर्मों का चिट्ठा कहलाता है। और जब यही पुण्य पाप उदय रूप में आके नष्ट होते हैं, उदय यानी वो परिणाम है, उदय प्रारब्ध आकर के वो समाप्त हो गया, कि वो भुगतान बोलते हैं उसको, तो हमारा डिस्चार्ज है सारा, वो निर्जरा है, वो भुगतान है, वो हिसाब है, वो आत्मा पर बंधे हुए कर्मों का जो है अज्ञान की सफाई है, वह हमारा जो है एक तरीके से सफाई का अभियान है, डिटर्जेंट पाउडर लगाने का अभियान है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमने हमारा जो केंद्र है, यानी कि ये जो हमारा पिनियल ग्रंथि का केंद्र आज्ञा चक्र है, और वो ये हमारा दर्शन केंद्र है, ये आत्मा के भीतर जाने का रास्ता है। यहाँ पर हमने शुद्ध भाव होते हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, उसमें जो पुण्य का बंधन होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, और कुल धर्म के अंदर जो पुण्य पाप का बंध होता है, वो पुण्य का बंध होता है वो शुभ गति में घुमाने वाला होता है। लेकिन अगर हम मनुष्य और देव गति में घूमने लग गए, तो अब आप देखिए कि मनुष्य गति तो मान लिया 100-125 साल की है, देव गति में आप चले गए मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम, अनकैलकुलेटिव, इतना समय आप खाली यहीं पर भोगने में लगा दोगे, तो आपको मुक्ति कब मिलेगी? जबकि हमारा जो आत्म धर्म है वह ये बताता है कि आपको मैक्सिमम 10 भव के अंदर ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु के द्वारा आपके पुण्योदय उसके पुण्योदय आपके निमित्त उसके निमित्त भाव से आपको ज्ञान दे दिया जाता है। ज्ञान देने का अर्थ हुआ कि आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा बना दिया जाता है, आपका स्थान चेंज हो जाता है, आपको निमित्त बना दिया जाता है, आपका अनंतानुबंधी कषाय को वो भस्मीभूत कर देते हैं, यानी कि आपका नो ऑनरशिप नो डूअरशिप कर दी जाती है। क्योंकि हमारे से जो हमारा गुरु होता है या हमारा जो है ज्ञानी पुरुष होता है, पहले हमारे से वो एग्रीमेंट कराता है कि आप जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में मैं जो है समर्पित होता हूँ, सुचरणों के अंदर समर्पित करता हूँ। तो भाई और बहनों, ये सारा होने के बाद में ये मिलता है, और इसके अंदर गति में घुमाने वाला पुण्य पाप नहीं होता है। जो पुण्य होता है वह जो है हमको आयुष्य, हमको जो है वह मोक्ष के लायक और सहायक होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों बेड़ी हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है बहुत VIP है, उसको कैद की सजा हुई, तो उसको एक अच्छे 5-स्टार टाइप कमरे में नज़र बंद किया, सब सुविधाएं दी, लेकिन वो कमरे में बंद है, वह सोने की बेड़ी लगाया हुआ है, तो और एक दूसरा साधारण मनुष्य है उसको लोहे की बेड़ी लगा के काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो है वो लोहे की बेड़ी है, लेकिन वो कहलाएंगे दोनों कैदी ही, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का, तो दोनों बेड़ियां हैं।
पुण्य पाप की दोनों बेड़ियों को काटे बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। अज्ञान है वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है। जो अज्ञान हमको जो है वो सुख देता है वह पुण्यकारी होता है, दुख देता है वो पापकारी होता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें पुण्य पाप का भेद समझना चाहिए, तभी हमारे जो है शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का जो है वो भेद हमको प्राप्त होगा। हम अशुद्ध प्रवृत्ति की निवृत्ति करेंगे। और कोई व्यक्ति अगर आत्म पद पर आ गया, वह अंतरात्मा बन गया, तो उसका लक्ष्य बन जाता है परमात्मा का। और जिसका परमात्मा का लक्ष्य बनता है, उसके अंदर जो है गति में घुमाने वाले पुण्य पाप नहीं होते हैं। मात्र वो पुण्य होता है जो मोक्ष में जो है वो लायक के सहायक होते हैं, क्योंकि पुण्य के बिना हमारे जीवन का कोई भी काम नहीं होता है। मैं अंगुली हिला रहा हूँ, यह भी पुण्य के कारण अंगुली हिल रही है। वरना किसी व्यक्ति का पापोदय है वो, तो वह जो है कोमा की स्थिति में चला जाता है, लकवे की स्थिति में चला जाता है, हार्ट अटैक की स्थिति में चला जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि पुण्य सुख की स्थिति, पाप दुख की स्थिति, परंतु हमको कोई भी जो है धर्म की क्रिया करना है पुण्य पाप का नहीं करके हमको तरने की वांछा करनी चाहिए। ये तरने की वांछा जो होती है वह आत्मधर्म बन जाता है। आत्मधर्म के अंदर गति में घुमाने वाला पुण्य पाप नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, हम देखिए, जब हम पुण्य पाप का भेद समझ जाएंगे तो उससे मनुष्य को हासिल क्या होगा कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बनेगा। और अच्छा इंसान बनाना ही पुण्य पाप का मुख्य लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम पुण्य पाप की भेद रेखा को खींचकर अच्छे इंसान बने, दुर्जन बनना हम छोड़ें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।